हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। गाइस, दोनों आँख मेरा जो है ना फूल गया है, कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी पता ना क्यों इधर ना आँख इधर का आँख ऊपर दोनों साइड फूल गया है। और क्या है ना कि आँख बना हुआ है इसीलिए थोड़ा सा भी कुछ होता है ना आँख में तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, आज काम हुआ है जो मेरे बालकोनी में भी ग्रास लग गया है। बहुत दिन से मन था मेरा, लेकिन हम खुद दुकान पे गए सचिन के पापा के साथ और उनसे जिद करके खरीदवाए। तो ये कॉस्ट कितना लगा है ये भी आप लोग को बताएंगे वीडियो में कि कितना पैसा लगा है, सब में आप लोग को बताया जाएगा। तो अभी हम पोछा लगवा दे रहे हैं जो कि गिरा हुआ है ना साटने वाला गोम, जो उसका अथी होता है साटने वाला, तो इसीलिए अभी रात का टाइम हो गया है। लेकिन हम बोले हैं कि लगा दीजिए, पोछा लग जाएगा तो साफ़ सफाई हो जाएगा। वहाँ काटी है बाबू, उठा कर रख दो कटिया। तो ये मंदिर के ऊपर भी ऐसा ही हमको लगवाना है, बोले हैं उनसे। तो कल तो अपने ही दूसरे जगह जाएंगे, परसों वहाँ लगेगा। ये जो है ग्रास लग गया है तो खूबसूरती आ गया है और अभी बोले हैं थोड़ा सा सफाई हो जाए। और उस बेड के सामने भी सोचे हैं कि चिपकवा दें तो अच्छा लगेगा वॉलपेपर, तो वहाँ भी लगेगा। मेरे रूम में भी लगा है थोड़ा सा जो बचा हुआ था, इसमें का नहीं, दूसरा सचिन लाए थे अंबाला से, तो वो अपने घर में लगाए हुए थे पहले, तो वही वॉलपेपर था तो सोचे कि इधर उधर फेंका जाएगा तो क्यों ना उसमें हम लगवा दें, तो वही लगवाए हैं। जब कोई खास नहीं है लेकिन फिर भी फेंकने से अच्छा है कि लगा दिए। तो चलिए, ये बोर्ड के लिए हमेशा सचिन मांगते थे हमसे और आज दूसरा जैसे ही हम लगाए हैं ना उधर जाने भी नहीं है तो दूसरा लेके आए हैं, तो फिर हम उसी जगह पर उसको रख दिए हैं और इसको यहाँ लगा दिया है। तो कैसा लग रहा है, यहाँ रील वीडियो बनेगा तब अच्छा आएगा। टीवी पार्ट बहुत सुंदर लग रहा है, टीवी यूनिट भी आ गया है तो इस पर मिस्त्री को बुला कर बड़े मिस्त्री को लगवाएंगे। तो चलिए वीडियो क्लिक चलते हैं आगे फैमिली। तो देखिए आप लोग, ऐसे कुछ है इसका दृश्य। अभी ऐसे बिछाए हैं लेकिन अभी अच्छे से इसको सेटिंग करेंगे, उतना अच्छे से किए नहीं हैं। अभी सफाई तो लगभग इधर का सब हो गया है, थोड़ा सा वो वाला पार्ट करना है, ये रेक का करना है, तो रेक का भी सहार देंगे और कर देंगे। तो अब खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है। मिठाई पर मिठाई आ रहा है मेरे घर, यहाँ एक और मिठाई आया था, एक फिर एक डब्बा आ गया। यहाँ देखिए काला जामुन और क्या है, सफ़ेद दोनों चीज़ें। तो ये देखिए कैसा लग रहा है वॉलपेपर, और वो एक ही पर रखाएगा मछली करके साइड में, और टीवी वाला उठा के चला है नीचवा से। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये जानते हैं ये पूरा ऊपर तक चला जाएगा ना तब सही लगेगा। मिल तो रहा है, यहाँ कट पीस हो गया है तो थोड़ा सा और भाई। हाँ, पतला मिल रहा था, कट पीस हुआ है ना तो वहाँ के लिए मिल जाएगा। अब सुंदर लग रहा है, उसका भी हम ऑर्डर कर दिए हैं पलंग के पीछे इसका। हाँ, वॉलपेपर लगेगा, वॉलपेपर बोले हैं और बहुत सुंदर है, डिजाइन वाला है इसी का है सबका। हाँ, इसी का मिलता जुलता फ्लावर है उसमें, तो बोले हैं कि इसी में करना जानते हैं, पूरा सटवाना चाहिए घर में, अच्छा लगता घर का लुक चेंज हो जाता। एक ही है जाके आइए इधर दिखाए आपको। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये हटा दो बाबू थोड़ा सा, फोटो वहाँ से हट गया है, आई हटा दो उसको, हटाओ ये रहने दे रहा हूँ। और देखिए ये गाइस कितना खूबसूरत अब लगने लगा। यहाँ पे आके चेक कर रहे थे कि कैसे साटा है लोग, अच्छे से साटा है लोग कि नहीं, थोड़ा सा करीब से देख रहे थे पास से, और आज बहुत सुंदर लग रहा था क्यों। तो यहाँ अच्छे से देख के जब हटे तो अब सोच रहे थे कि पर्दा का जो अथी है, जो पूजा घर का दरवाज़ा है, उसको भी सोच रहे थे कि चेंज करने के लिए, जो कि इसका कॉटन
तो बहुत अच्छा लग रहा था देख के, और आज हम काफ़ी खुश थे इसलिए कि घर में साफ सफाई एकदम ज़रूरी है, अनिवार्य है। ये मैट लाए हैं छोटा छोटा, तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर फुल बड़ा सा मैट डालेंगे। यहाँ तीन मैट हो गया तो यहाँ हटाएंगे अभी, कल देखते हैं सारा धुलना है तो उठाकर धुलेंगे मैट वगैरह, और यहाँ का हाथी घोड़ा जो भी है उसको सफाई करना है, तो कल बस यही साफ करना है, ये रेक और यहाँ का हाथी घोड़ा और इधर का रेक जो मेडल रखा हुआ है यही सब साफ करना है। तो ये साफ कर देंगे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए इतना हम खुश थे कि आज डाउन सेलिंग हुआ है, ये लाइट कितना खूबसूरत लग रहा है, झूमर भी इसमें बहुत प्यारा लग रहा है, जल रहा है, तो आप लोग बताइएगा। और इसमें हाँ गाइस, कुछ कुछ सामान जो एक्स्ट्रा है ना वो सब बिल्कुल हटा देंगे, नहीं रखेंगे, खाली रखेंगे घर, और बस के खुले बाहर से। तो ये दरवाज़ा का पल्ला भी चेंज कराना है, तो अभी फ़िलहाल नहीं कराएंगे, लेकिन बाद में देखते हैं। और यहाँ ग्रीन घास जो लगा दिए थे ग्रास, उसके ऊपर मेरे पास ये बोर्ड रखा हुआ था बहुत दिनों से। तो आइए अब दिखाते हैं आप लोगों को बालकोनी, और यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत हरा हरा लग रहा है, और हरा भरा से घर अच्छा लगता है। ये पर्दा भी हमको चेंज करना है यहाँ, तो अब ठंडा का समय आ रहा है तो थोड़ा सा मोटा कॉटन सोच रहे हैं यहाँ लगाने के लिए, और मोटा कॉटन लगा देंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। और आज यहाँ बैठ के इतना अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रहा था। और ये सब श्रेय जा रहा है आप लोग का और यूट्यूब फैमिली का, यूट्यूब फैमिली के बदौलत ही हम घर सजाए हैं और अपना मेहनत से सब कुछ खरीदे हैं। तो मेरा चैनल से जो पैसा आया था, अर्निंग हुआ था, उससे हम ये सब घर का डेकोरेट का सामान खरीदे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है घर सजाना। ये गाइस अभी इस रूम में इतना सारा गूम बचा है, तो देखते हैं कहीं ज़रूरत होगा तो लगा देंगे। और ये ना था वॉलपेपर, तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। था तो हम सोचे कि यहाँ लगवा देते हैं, थोड़ा सा पाइप निकला हुआ है इधर का इधर का, तो इसलिए। और यहाँ का जो ले गए ना हम तुरंत, तो उसने लगाने के लिए, तो सचिन पता ना लेके आ गया था अपने स्कूल के लिए, तो फिर ले गया, हाँ फिर ला के यहाँ रखवा दिया है, हमने रखो मेरे रूम में, हम लगाए। नहीं आया था पहले का? नहीं, आज ही ले गया, हम वहाँ लगवा दिए थे, वो नहीं जान रहा था, तले हम बोले पूरा मेरा सामान दिख रहा था उसमें, हमने कि तो हम रख दे, तो बोला हम स्कूल के लिए लाए, आपको काहे के देंगे, हमने कि ना दे दो रखना है, अच्छा लग रहा है, लेकिन यही वहाँ लगवा देंगे उस दिन, और उसको हम अपना रूम में यहाँ लगवाएंगे। नहीं, वहाँ वहाँ पर्दा लगवा देंगे, वो तो ऐसे ही है ना, पाला लगवा दीजिए, वहाँ नहीं लगाएंगे। तो कैसा लगा तो अभी यहां, थोड़ा सा रूम का देखिए हुलिया खराब हो गया है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, आज ही एकदम अच्छा से कर लेंगे लोग। और थोड़ा सा पंखा वंखा साफ करना है, तो ये साफ हो जाएगा लगभग, ये रूम ये सारा हम साफ कर दिए हैं, थोड़ा मोड़ा है अलमारी के ऊपर, कल पूछा जाएगा ये भी, और सब साफ सफाई हो गया है इस रूम का, उधरे का करना है जो करना है। तो हॉल में भी आधा से ज़्यादा कर चुके हैं, थोड़ा सा फूल प्लांट जो है उसको साफ करना है, यहाँ का भी गंदा हो गया प्लांट, उसको भी सफाई करना है, तो ये सब कर देंगे। अब यहाँ का बालकोनी का जो नज़ारा है ना मेरा, वो बहुत सुंदर लग रहा है, और फोटो खिंचवाइए, यहाँ पर आप सो भी सकते हैं, हाँ रील बनाइए, या कुछ यहाँ गंदा भी नहीं करने देंगे किसी को, केवल रील बनाने के लिए अनुमति देंगे और ब्लॉग बनाने के लिए। और आप लोग जल्दी से उधर जाइए, क्योंकि इधर का पोर्शन हमको एकदम क्लीन रखना है, बहुत लोगों बात सुन रहे थे, आंटी जी एकदम आपका घर गंदा है, आंटी जी गंदा है, तो अब एकदम चकाचक घर को करना है और अच्छे से रखना है। हम जान गए हैं कि हमको सब कुछ करना है, तो हमको करना है, आप लोग भी कीजिएगा। और कोई काम का, कोई ब्लॉगिंग का, या कोई भी काम हो दुनिया का, उसके लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। आप अगर चाहेंगे तो ये लोग बूढ़े भी हो जाएंगे लोग, तब भी कर सकते हैं लोग, अगर हम लोग नहीं चाहेंगे मंगेशकर भी हो जाएंगे तभी करेंगे, महादेवी वर्मा भी हो जाएंगे तभी करेंगे, मदर ट्रेसा हो जाएंगे तभी करेंगे, तो क्या जानते कोई दिक्कत नहीं है, तो करना चाहिए। अपने मन को थोड़ा सा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो थोड़ा सा आदमी डाउन हो जाता है उस समय, लेकिन क्या है फिर से खड़े हो जाते हैं,
और यही इंसान का इंसानियत होता है कि जब समय आए थोड़ा सा तो वहाँ थोड़ा सा ठंडा हो जाइए, झुक जाइए, झुकने में कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे हम लोग का भी अपना काम करना है, अपना काम करते रहिए। सीखना है तो वीर कुंवर सिंह से सीखिए, वीर कुंवर सिंह जैसे आदमी तो 80 वर्ष की हड्डी में भी जो चुस्त पुराना होता है ऊंच विचार रखिए, अच्छा सोच रखिए, तो कहीं कुछ नहीं होगा। भगवान हम क्या हैं, हमसे ज़्यादा तरक्की आप लोग करोगे। और अगर आप लोग का दिल सच्चा रहा ना, हम एक महिला हैं, पहले नंबर औरत हैं, तो माँ और सब तो अलग है, बाद में हैं, पहले महिला हैं हम। तो आप लोग को यही हम जागरूक करना चाहते हैं कि कोई भी काम के लिए कोई उम्र नहीं रखा गया। देखिए अभी जितना मेरे घर में हुआ है ना, सब हम करवाए हैं, इनसे गए हैं दुकान पे लेके, इनसे पैसा लगवाए हैं और हम अपने पसंद से सारा कुछ लेके आए हैं और सेटिंग करवाए हैं। अभी जितना जल्द हो सके ये सब बनवाएंगे, बनवा लेंगे तो फिट हो जाएगा। इसीलिए हम अपना काम कर रहे हैं कि हम अपने जिद से। इतना पैसा कहाँ से लाती हैं आप? ऐसा नहीं है कि आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वो तो करते ही हैं, वो तो काम है भाई, कर्म ही पूजा है, कर्म है, करना है मुझे। आप लोग भी कीजिएगा। और जो लोग कहते हैं ना, कमेंट करते हैं या फेक आईडी बना के फालतू फालतू बोलते हैं, तो उन लोग के लिए एक बात हम बोलेंगे कि देखिए आप फेक आईडी मत बनाइए, ओरिजिनल बनाइए, आप ही काम कीजिए जैसे हम करते हैं। जैसे हम इतने एज में कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं और कीजिए लोग। जितना दुकान होता है ना उतने आमदनी होता है, बढ़ता है, बिक्री होता है। तो अगर ऑडियंस आप लोग को भी पसंद करने लगेगा धीरे धीरे तो आप लोग भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन गलत नियति से मत कीजिए, बहुत बुरा होगा। अगर कुछ भी है ना, जब आंटी जी हमको बोल रहे हैं तो आप लोग को चाची या मम्मी ही लगेंगे हम। तो ये सब भद्दा भद्दा कमेंट आप लोग मत कीजिए। और आज एक रिएक्शन वाली जो हैं सुमन जी, सुमन जी का है, तो वो हमसे बड़ी हैं, हम रिस्पेक्ट लेके बोलेंगे। वो मेरी दीदी हैं, हम उस दिन ही दीदी मान लिए हैं उनको, मेरी बड़ी बहन है। तो आप लोग उनको कुछ मत बोलिए, हम उन पर रिएक्शन नहीं बनाए थे, नहीं है। उनको भी भगवान सद्बुद्धि देंगे, बुद्धि देंगे, तो वो भी अपना सोच बदलेंगी, ज़रूर बदलेंगी, एक ना एक दिन वो बदलेंगी। और जिस दिन बदल जाएंगे ना, उस दिन आप लोग आकर हमको कमेंट कीजिएगा कि आंटी जी अब ठीक बोली हैं। हम यही वैष्णो माता से भी हम बोलेंगे कि उनको भी बुद्धि दीजिए और उनका अपना कर्म है, जो काम कर रही है वो भी आगे बढ़े, अपना कमाए खाए, दूसरे का नहीं करना है, दूसरे का बारे में कुछ कुचड़ाई करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेके जाना नहीं है, सब कुछ यहीं रख के जाएंगे। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, तो राम नाम सत्य है, यही है लास्ट में। तो लास्ट में हम लोग वही करेंगे, यहाँ कुछ भी कर लीजिए, गाली दीजिए, ग्लव्स दीजिए, मार दीजिए, झगड़ा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वही सत्य है तो सत्य है। तो चलिए ब्लॉग को रोकते हैं यहीं पे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। ये ब्लॉग हमारा आएगा कल। और जो लोग मेरा नया चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया, 3000 होने वाला है मेरा सब्सक्राइबर इतना जल्द, लेकिन अभी उसका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो आप लोग मेरा ब्लॉग पे जाकर ध्यान दीजिए और उसको सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो है अप्सरा मम ऑफिशियल। तो आप लोग जितना हो सके जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ गुड नाइट, बाय बाय।